दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 27 के 27 नक्षत्रों की वीडियो का सेकेंड पार्ट मैंने आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है, तो जिसका जो भी जन्म का नक्षत्र हो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को अवश्य देखें। और अगर आप लोग अपने जन्म के नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे, ये जो गुरुदेव बृहस्पति का गोचर हो रहा है, 1 मई 2024 से गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में चले जाएंगे, और जो ये पूरा गोचर है वो कब तक रहेगा, 1 मई 2024 को होगा और 14 मई 2025 तक ये गोचर रहेगा। कहां पर रहेगा, आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। तो अगर हम लोग थोड़ा सा ये देखें कि गुरुदेव बृहस्पति ये जो हमारे कुंभ लग्न वाले जातक है इसमें किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहे हैं, आज इस बात की चर्चा मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो देखिए, अगर हम लोग ये देखते हैं कि जो ये हमारे कुंभ लग्न वाले जातक होते हैं इसमें बृहस्पति को कौन कौन से भाव मिले हुए, तो देखिए बृहस्पति को एक तो लाभ भाव मिला हुआ है और बृहस्पति देव को एक आपका कुटुंब भाव, मतलब दोनों ही भाव अगर आप गौर से देखते हैं तो आपकी कुंडली में बहुत ही बढ़िया भाव के मालिक है, एक तो लाभ भवन के मालिक है और एक पैसे वाले घर के मालिक है। तो ये दो भाव इनको मिले हैं और इस समय ये कहां पर आए हैं, आपके भौतिक सुख साधनों वाले हाउस में आए हैं, यानी कि फोर्थ हाउस में आए हैं। और किसकी राशि में आए हैं, शुक्र की राशि में आए हैं, जो खुद भी वैभवता लिए हुए होते हैं। एक गुरु का दूसरे गुरु के घर में आगमन, तो जो उनकी उनका जो रेस्पेक्ट होगा, जो उनका स्वागत होगा वो शुक्र के अकॉर्डिंग होगा। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये जो हमारा फोर्थ हाउस होता है ये किसका है, मोक्ष त्रिकोण का हाउस है। तो एक चीज तो आपको यहां समझनी है कि इस समय जब गोचर में गुरुदेव बृहस्पति कुंभ लग्न वालों के फोर्थ हाउस में आए हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी सुख साधन, जो भी भौतिक सुख साधन, जैसे कि मान लीजिए आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि हमारा एक बहुत बड़ा घर हो, देखिए यहां पर गुरुदेव बृहस्पति आपको क्या देते हैं, बड़ा घर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इस टाइप के जो आपके बड़े बड़े सपने हैं इसको ये पूरा यहां करते हैं। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात ये जरूर कहूंगा कि जब भी गुरुदेव बृहस्पति का आगमन आपकी इस जगह मतलब फोर्थ हाउस में हो रहा है, आप ये समझ लीजिए कि जो भी चीजें आपने ये सोची है ना अपने लिए कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको अवश्य मिलेगी, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, आपको अवश्य मिलेगा। अगर आप किसी बिजनेस में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, मतलब उसके हेड बनना चाहते हैं, उसके गुरु बनना चाहते हैं, तो ये सारा काम इस पूरे साल में, देखिए 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक आपको वो समय मिल रहा है कि आप ना केवल जिस फील्ड के मास्टर बनना चाहते हो, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बोल रहा हूं, उसके मास्टर बनोगे, आपको बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सारा सपना जो आपके हैं ये पूरे इस साल में पूरे होने की पूरी जो मतलब एनर्जी दे रहे हैं ना गुरुदेव बृहस्पति आपके फोर्थ हाउस में बैठकर दे रहे हैं। तो ये हुआ छोटी सी आपको एक बात बतानी। अब हम लोग चर्चा करेंगे गुरुदेव बृहस्पति की जो ये दृष्टि है कहां का जाए। देखिए इनकी सबसे बड़ी जो दृष्टि है फिफ्थ हाउस, मतलब पांचवी दृष्टि आपके एट्थ हाउस पर जा रही है, केतु जहां पर विराजमान है, पहली बात। नवी दृष्टि इनकी आपके 12वें भाव में जा रही है और इनकी सीधी दृष्टि आपके 10th हाउस में जा रही है। तो यहां पर गोचर बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। अब आप इसको जरा थोड़ा सा दृष्टि वाइज समझिए, जब भी आप ये देखोगे कि गुरुदेव बृहस्पति जब फोर्थ हाउस पर बैठते हैं तो उनकी दोनों दृष्टि कहां जाती है, एक हमारे एट्थ हाउस को एक्टिवेट करती है, एक हमारे 12th हाउस को एक्टिवेट करने का काम करती है। यहां पर केतु बैठे हुए, ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सा आप समझिए, एट्थ हाउस से संबंधित जितनी भी चीजें, जैसे मान लीजिए बहुत समय से कुंभ लग्न वाले जातक किसी काम के पीछे लगे हुए थे कि ये काम मेरा हो जाए, किसी रिसर्च वर्क में लगे हुए थे, किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं जहां पर उनका सारा फोकस केवल और केवल अपने काम पर था, ये जैसे ही यहां पर आएंगे
केतु को एक्टिवेट करेंगे और आपके जितने भी रिसर्च वर्क के काम हैं या जिसके ऊपर आप बहुत जरूरत से ज्यादा फोकस पिछले समय पे दे रहे थे, काम वो बन नहीं पा रहा था, तो ये सारा काम क्या होगा, एकदम जब गुरुदेव बृहस्पति यहाँ आएंगे तो इस काम को पूरा करने का पूरा आपको मौका मिलेगा, पूरा समय मिलेगा और वो काम होगा जिससे दुनिया भी आपको जानेगी। मतलब एट्थ हाउस हमारे रूपांतरण का हाउस होता है। पहली बात आप समझिए, किसी भी चीज की जो ऊर्जा जो हिडन है, एट्थ हाउस क्या है, अंधेरा है, अंधेरे में गुरुदेव बृहस्पति की पांचवी दृष्टि से प्रकाश जाने का मतलब क्या होता है कि जो ऐसा भाव कि जो अभी जिन चीजों को अभी आप केवल सोच ही पा रहे हो कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मुझे इस तरीके का लाभ होगा, मतलब जिस रिसर्च में आप जुटे हुए हो, जैसे अब आप मान लीजिए ये हमारा मंत्र साधना का भी होता है, गुप्त विद्याओं का भी होता है और जो हिडन पावर्स होती है उनको गेन करने का हाउस भी होता है और ऑकल्ट साइंस का भी हाउस होता है। तो इन सब में से किसी भी चीज से अगर आप जुड़े हुए हो पिछले कुछ समय से या अगर आप जुड़ना चाहते हो तो ये जो टाइम है आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब एट्थ हाउस हमारा अचानक धन लाभ का भी होता है, तो देखिए अचानक धन लाभ आपको यहां पर जैसे केतु को ये एक्टिवेट करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको अचानक धन लाभ का भी चांस बनता रहेगा इस पूरे साल में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर है और अगर मैं आपसे बात करूंगा, पहले मैं इनकी नवी दृष्टि की बात करूंगा फिर मैं आपको सेवन दृष्टि के बारे में बताऊंगा। देखिए जब इनकी नवी दृष्टि इनके आपके ट्वेल्थ हाउस में पड़ रही है तो क्या होता है, देखिए ट्वेल्थ हाउस किस चीज का है, सपनों का हाउस है। ट्वेल्थ हाउस हमारा इस तरीके का हाउस है कि जो चीजें अभी दुनिया के सामने नहीं है उनको लाने का हाउस है। ट्वेल्थ हाउस हमारा बिस्तर का हाउस भी है, मतलब रिलैक्स करने का हाउस भी है। तो ये सारी चीजें और ट्वेल्थ हाउस अगर देखते हैं तो हमें व्यय करने का मतलब खर्च करने का भी हाउस है। दो तीन चीजें आपको यहां समझनी होंगी बहुत संभाल के। देखिए जब भी गुरुदेव बृहस्पति की नवी दृष्टि हमारे ट्वेल्थ हाउस में पड़ती है तो उसको क्या करती है, एक्टिवेट करने का काम करती है। पहली बात तो ट्वेल्थ हाउस से संबंधित कोई भी काम, जैसे मान लीजिए आप ये सोचते हो कि मेरा कोई कस्टमर विदेश में है और वो मेरे से जुड़ना, आप उससे जुड़ना चाहते हो या वो आपसे जुड़ना चाहता है, बहुत अच्छा समय। अगर आपको विदेश जाने का मौका मिल रहा है ये भी आपके लिए बहुत अच्छा समय। जो भी कस्टमर्स जो भारत से बाहर के लोग हैं, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस से जुड़े हुए हो कि वो आपसे कांटेक्ट करें या आप उनके साथ काम करना चाहते हो तो ये समय आपके लिए बहुत उपयुक्त है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हो गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप गाड़ियों का काम करते हो, अगर आप किसी जमीन को बेचने और खरीदने का काम करते हो गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कोई ऐसा वर्क करते हो, मान लीजिए आपने ये ऐसा सोचा कि कोई भी काम है और मैं अपना उसका ऑफिस अपने घर में ही खोलता हूं, इस समय अगर आपने अपने बिजनेस का ऑफिस अपने घर पर ही खोल दिया जाए, मतलब गुरुदेव बृहस्पति है फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस हमारा घर भी होता है, तो ये बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप किसी भी प्रकार के इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़े हुए ये काम आपका बढ़िया अच्छा चलेगा। शर्त यही है कि आपको बहुत सारा काम इस समय क्या है अपने घर से ही संचालित करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ट्वेल्थ हाउस की जो दृष्टि है किस चीज को महत्वपूर्ण, किस तरीके से महत्वपूर्ण है कि जितना भी लोग हमसे बाहर के लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे शहर के बाहर के भी, हमारे विदेश के लोग भी अगर हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो ये जो वक्त है बहुत ही बढ़िया वक्त आप लोगों के लिए माना जा रहा है। अब देखिए बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की सातवीं दृष्टि की। देखिए सातवीं दृष्टि का मतलब टेंथ हाउस को ये आपके देख रहे हैं इस समय। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दृष्टि कहां पर जा रही है, ये वृश्चिक राशि में जा रही है और इसमें शनि की भी दृष्टि, मतलब जो आपके लग्नेश है उसकी दृष्टि भी वृश्चिक लग्न पर पड़ती है। अब आप ये देखो कि एक तो आपके लग्नेश भी आपके टेंथ हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, दूसरी बात गुरुदेव बृहस्पति की सीधी दृष्टि वहां पड़ने का मतलब क्या होता है कि जिस फील्ड में भी आप हो उसमें आप गुरु कहलाओगे, मतलब गुरु कहलाने का मतलब मास्टरी हासिल हो जाएगी आपको, मतलब जो भी काम आप कर रहे हो उसके आप एक्सपर्ट बन जाओगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ये वाला काम जो आप कर रहे हो दूसरा भी मान लीजिए ये वाला काम कर रहा है तो कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। मेन चीज यह है कहने का मतलब आपको उसके अंदर अच्छा माना जाएगा, आपका नेम फेम सब बड़ा होगा, बड़ा मतलब बड़ा होगा, क्योंकि कैसा होगा बड़ा,
फोर्थ हाउस में बैठे हुए गुरुदेव बृहस्पति की सीधी दृष्टि हमारे टेंथ हाउस में जा रही है। आपको केवल ये सोचना है कि जिस बिजनेस से भी आप इस समय जुड़े हुए हो उसमें आपको क्या बन जाना है, गुरु बन जाना है, मास्टर बन जाना है, मतलब कहने का मतलब एक्सपर्ट बन जाना है। तो आपके पास अधिकतर ऑर्डर्स रहेंगे, पैसा आपके पास खूब अच्छा रहेगा। और एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ये गुरुदेव बृहस्पति का मोक्ष वाला हाउस भी है, तो आप एक बात जरूर ध्यान रखिए कि जब दोनों दृष्टियां इनकी हम देखते हैं, एक एट्थ हाउस में जाती है, एक ट्वेल्थ हाउस में जाती है, तो एक चीज का आप जरूर ध्यान रखिए कि अपनी लाइफ में 10 से 12 मिनट का समय अपने लिए जरूर निकालिए, क्योंकि ये जीव कारक ग्रह है और आपको कहीं ना कहीं मेडिटेशन से जोड़ने का भी ये काम करता है। तो अब ये चीज आप पूरे गोचर में अगर आप समझेंगे, पूरे गोचर के अकॉर्डिंग आपके एट्थ हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, जहां से हम लोग क्या करते हैं, साधना से जुड़ते हैं, खुद को रूपांतरित करने का कार्य करते हैं, और ये काम मेडिटेशन के माध्यम से होता है। चलिए, एक ये बात हो गई। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात, अब आप देखोगे कि ये जो गोचर है ना, ये राहु केतु के साथ जुड़ा हुआ है गुरुदेव बृहस्पति का। अब यहां पर अगर हम देखते हैं हमारे सेकंड हाउस, जो हमारे पैसे का हाउस है, कौन सा वाला पैसा, जो हम अर्न करते हैं, मतलब जिसको जो कोई बिजनेस करा हमारे अकाउंट में पैसा आया, जो जितने का हमारा प्रॉफिट है हमने एक तरफ कर दिया और बाकी का बाकी फिर हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो जो वो मार्जिन हमारा बचता है ना, उसको हम कहते हैं सेकंड हाउस का पैसा, जिसको हम एफडी की फॉर्म में रखते हैं, लॉन्ग टर्म शेयर की फॉर्म में रखते हैं, ये सारी चीज। अब वहां बैठे हैं राहु। देखिए आप एक चीज समझिए कि ये जो समय है ना आपका कुंभ लग्न वालों का, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है, अगर आप इसे समझ पाओ। कारण क्या है, गुरुदेव बृहस्पति को आपकी कुंडली में वो पावर मिली हुई है कि एक तो वो लाभ भवन के मालिक है और एक वो पैसे वाले घर के मालिक है। तो दोनों चीजों को अगर आप इकट्ठा करके सोचते हो कि जब मुझे लाभ होगा तभी तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, और बाकी पैसा जो मुझे लाभ हुआ वो हम किस फॉर्म में रखते हैं, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में रखते हैं। एक चीज, वहां बैठे हैं राहु, तो वहां पर आपको लगातार इंस्टेंट आइडियाज आते रहेंगे कि अब आप अपने पैसे को यहां इन्वेस्ट कर दीजिए। देखिए राहु आपको वो मार्ग दिखाता है जिससे आप अपने पैसे को काफी सारा बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक चीज आप जरूर ध्यान रखिए, मन में लालच वाली भाव आपका नहीं आना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि कभी कोई हमारे सामने आके हमसे कहता है जी आप यहां पर इन्वेस्ट कर लीजिए, आपके पैसे डबल हो जाएंगे, इस तरीके की कोई भी संभावना आप मत सोचिए। आपको क्या करना है, खुद सोच समझ कर, राहु के जो आइडियाज होते हैं वो होते इंस्टेंट है, लेकिन उस पर विचार करने की जरूरत आपको जरूरत होती है। मान लीजिए कोई शेयर आपको अच्छा लग रहा है खरीदना, तो एक बार किसी एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं कि मैं 2-3 साल के लिए इसको खरीदना चाहता हूं तो कैसा रहेगा। तो आपको इस तरीके का कहीं ना कहीं से कोई राय जरूर लेनी है और उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉफिट आपका होना ही होना है, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। अब देखिए राहु का जो सारा सीन है वो किस तरीके से काम करेंगे, राहु केतु की अपनी राशि होती नहीं, वो गुरुदेव बृहस्पति की तरह काम करेंगे। तो आप अपना सारा ध्यान कहां फोकस करोगे इस पूरे साल में, अपने घर पर, अपने सुख साधनों पर। तो आप अगर अपना ऑफिस बनाना चाहते हैं, अपने घर में ही कोई ऑफिस खोलना चाहते हैं अपने बिजनेस का, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर कोई साधना करना चाहते हैं इस पूरे दौरान तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और मेरा सजेशन आपको रहेगा कि 10 से 12 मिनट निकालकर मेडिटेशन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका गोचर है ये आपको मतलब पैसे के साथ साथ कहां लेकर चलेगा, आध्यात्म की ओर भी लेकर जाएगा। तो ये एक अच्छा गोचर देखा जा रहा है कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए। और आप लोगों ने इतना मेरे साथ समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।